मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस ऑन फाइलेराइटिस या अम्बिलिकल सेप्सिस, यानी अम्बिलिकल में इन्फेक्शन होना। जैसे कि अब पिछली क्लास में अपन इन्फेक्शन से लिया था, इन्फेक्शन से रिलेटेड अपने जो डिजीज लिया था नियोनेट्रम ऑप्थेल्मिया, आज ले रहे हैं ऑन फाइलेराइटिस या अम्बिलिकल सेप्सिस। अम्बिलिकल सेप्सिस जो रीजन होता है, मेन इंसिडेंस ऑफ रिड्यूस एसेप्टिक टेक्निक एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस, यानी जो अम्बिलिकल साइनस है वे यूज ऑफ द एसेप्टिक टेक्निक, यानी जो एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं की जाती है, और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है जो एट बर्थ के टाइम, जो डिलीवरी के टाइम, वहाँ पे जो क्लिनिकल क्लिनिकनेस है, जो प्रैक्टिस है वो क्लियर नहीं होती, जिस कारण से अम्बिलिकल सेप्सिस होता है। इसका मेन रीजन तो है बर्थ कैनाल के द्वारा इन्फेक्शन, जो 50% जो इन्फेक्शन का रीजन होता है वो बर्थ कैनाल के द्वारा होता है। तो अम्बिलिकल सेप्सिस में ये होता है, आप लेते हैं इसमें डेफिनेशंस क्या होती है। डेफिनेशंस ये होती है कि अम्बिलिकल सेप्सिस या ऑन फाइलेराइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द अम्बिलिकल स्टम, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के कटिंग के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है कोर्ड से, उस हिस्से को हम कहते हैं स्टम, उस पर इन्फेक्शन होना वो अम्बिलिकल सेप्सिस कहलाता है, अम्बिलिकल सेप्सिस कहलाता है। अब इसमें लेते हैं कि जो इटियोलॉजी है, मैन इसके कौन कौन से जो कोज है जो इफेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अगर हम एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करेंगे तो वो तो एक कोज है ही, और क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है वो भी इसमें कोज होता है कि अगर साफ सफाई से क्लियर नहीं किया गया है तो भी अम्बिलिकल सेप्सिस हो सकता है। और जो बैक्टीरिया है वो उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस, ई कोलाई या अदर पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफली इसमें जो है कोलोस्ट्रिडियम टेटनी जो बैक्टीरिया है वे अम्बिलिकल को इन्फेक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं टेटनी न्यूनेट्रम या टेटनस न्यूनेट्रम को, जो एक डिजीज होती है टेटनस न्यूनेट्रम को करते हैं। हम ये एडल्ट केयर में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको टेटनस कंडीशन ला कर उसको एडमिशन करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम, और ये मोस्ट ऑफली प्रिवेंट हो जाता है। ये इसके चांस बहुत कम होते हैं, पर अगर होता है तो टेटनी डी अम्बिलिकल कॉर्ड को इन्फेक्ट कर सकता है, और जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं टेटनस न्यूनेट्रम। नेक्स्ट इसमें लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, कि क्या क्या इसमें सिम्टम हो सकते हैं। पहला सिम्टम तो ये होगा कि अम्बिलिकल सेप्सिस जो है उसके जो एक टिपिकल कंडीशन ये सेलुलरिस इज ए प्रेजेंट ऑफ द पेरी अम्बिलिकल स्किन, यानी पेरी अम्बिलिकल स्किन के चारों ओर एक सेलुलर टाइप्स, मतलब या जैसे बोल लो रेड फ्लेयर, यानी एक चमकता हुआ रेड फ्लेयर होता है, उसके अकॉर्डिंग एक स्वेलिंग होती है, सेलुलाइटिस होता है। दूसरा इसमें क्या आता है कि एक प्योर स्मेल होती है, और इसमें ये सोरोपिलियन डिस्चार्ज होते हैं जो कि एक क्रिटिकल कंडीशन होती है। नेक्स्ट इसमें जो है एक फीचर्स में जैसे कि डिलेट फाइलिंग अपने अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीवर, यानी अगर हम डिलेट फाइलिंग अगर जो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग की हुई है जो एब्डोमिन के पे अटैच है वो अगर गिरने में लेट होती है तो वो भी अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन को हो सकता है, और उसमें फीवर भी आता है। नेक्स्ट जॉन्डिस एंड फीचर्स सेप्टिसीमिया में भी अपनी कॉम्प्लिकेट केसेस, यानी जॉन्डिस में हम देखते हैं कि जो पैथोलॉजिकल उसमें जो ईबीटी प्रोसीजर होता है कभी कभार वो भी अम्बिलिकल उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा हम जॉन्डिस को प्रिवेंट करते हैं, उसमें भी अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फेक्शन को जो है कारण बन सकते हैं। तीसरा जो क्लिनिकल मैनिफेस्ट में होता है वो टेटनस आर फाउंड ऑफ क्लोस्ट्रिडियम टेटनी इन्फेक्शन, जो कि क्लोस्ट्रिडियम टेटनी से इन्फेक्शन में प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट देते हैं इसमें हम कॉम्प्लिकेशन क्या सकते हो सकते हैं इसमें। पहला कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें अगर हम सही समय पे अम्बिलिकल सेप्सिस या अम्बिलिटिस को प्रिवेंट नहीं करें तो थ्रोम्बो
कोलाइटिस अम्बिलिकल वेन, यदि अम्बिलिकल वेन में ब्लड फ्लो होगा इसको कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिस या अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा, हेपेटाइटिस, लीवर एब्सेस, नेफ्रोडाइटिस, ये सभी कॉम्प्लिकेशन जो है अम्बिलिकल सेप्सिस में हो सकते हैं। अब लेते हैं मैनेजमेंट कि हम इसे किस प्रकार से मैनेज करेंगे। अगर वैसे अम्बिलिकल सेप्सिस को आसानी से मैनेज किया जा सकता है पर ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है तब काफ़ी टाइम लग सकता है, पर इसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट में पहला ये है कि इस पर जो है मेडिकल केयर, मेडिकल केयर में जैसे ये आती है एंटीमाइक्रोबियल जो केयर है उसमें थेरेपी बोल रहा हूँ, थेरेपी जो दी जाती है उसमें पहला क्या होता है कि इसमें जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरफ एक बैक्टीरिया होते हैं जो हम लेकर सेप्सिस में होते हैं जिनको प्रिवेंट करने के लिए हम पेनिसिलिन देते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दी जाती है। उसके अलावा इसमें कोलोक्सेलिन प्लस जेंटामाइसिन और किसी भी सैंपल में सेफेलो प्लस रेटामाइसिन और फ्लेजिन दी जाती है। तो ये एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है जो दी जाती है मैनेजमेंट में। दूसरा देते हैं सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में क्या देते हैं, पहला कि हम आइसोलेट करते हैं जो इन्फेक्टेड इन्फेंट है उसको, और दूसरा इसमें जो ड्रेसिंग है अम्बिलिकल कॉर्ड की, जो एंटीबायोटिक मटेरियल है जैसे कि पाउडर है या एंटीबायोटिक सॉल्यूशन है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड को हमें प्रिवेंट करने के लिए उसको क्लीन किया जाता है और उसके आसपास के पूरे एरिया को। नेक्स्ट में लेते हैं कि जो है स्पोर्टिक केयर में हम स्पेशल केयर ऑफ देते हैं टेटनस म्यूटेटर में और कल्चर एंड सेंसिटिव टेस्ट भी हम करते हैं। अम्बिलिकल स्वाब मे बी नीडेड इन सम केसेस, अगर क्रिटिकल केसेस में हमें लगता है कि हम जो भी बैक्टीरिया है उसका डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम कल्चर के द्वारा या सेंसिटिव टेस्ट के द्वारा हम इसमें पता करते हैं। अब ये प्रोग्नोसिस में क्या होगा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इन्फेक्शन, इसमें इनिशियल ऑफ द मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर पर भी डिपेंड रहता है। तो ये है आपके एक शॉर्ट टॉपिक, इसमें बोलते हैं होमोफिलाइटिस या अम्बिलिकल सेप्सिस जो कि आफ्टर द बर्थ इम्पेक्ट्स में लगभग होता है, इसका मेन रीजन होता है ऐसा कि टेक्निक यूज करना और जो प्रिकॉशन है यूनिवर्सल उनको यूज नहीं करना और जो बैक्टीरिया है जो मैंने बता दिए कोज में वो भी इसमें जो कोज के मेन इफेक्ट पड़ते हैं और जो 50% जो चांस इसमें होता है अम्बिलिकल सेप्सिस वो बर्थ कैनाल के द्वारा ही होता है यानी वजाइना के द्वारा जो कि ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कुछ ना कुछ अनक्लिनिकल प्रैक्टिस होती है हम यूज़ नहीं करते उस दौरान ये हो जाता है। तो ये आपके फर्स्ट डिजीज जो है कि सेकेंड डिजीज इन्फेक्शन में होमोफिलाइटिस या अम्बिलिकल सेप्सिस इज कम्प्लीट। नेक्स्ट लेते हैं आपके ओरोथ्रस जो कि ओरोथ्रस क्या होता है, इट इज़ ए फंगल इन्फेक्शन ऑफ द ओरल कैविटी बाय कैंडिडा एल्बिकेंस, यानी ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है जो आफ्टर द बर्थ फर्स्ट वीक में प्रिवेंट होते हैं या लास्ट वीक तक प्रिवेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट सुनिए होता है इतियोलॉजिक क्या कारण हो सकते हैं इसमें इन्फेक्शन का, पहला कारण ये होता है कि जो बर्थ के दौरान उसके द्वारा ये फैलता है। दूसरा जो यूनिट्स में जो आर्टिफिशियल फीडिंग है, आर्टिफिशियल फीडिंग जैसे कि तबीज होती है निपल्स बोटल्स जो कॉन्टामिनेट करती है इन्फेक्शन को बढ़ाती है। दूसरा मदर्स के हैंड्स या फीडिंग्स जो निपल्स है उनके द्वारा भी ये हो सकता है। नेक्स्ट में लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स में ये है कि ये एक वाइट पैचेस होते हैं जो कि म्यूकस कैविटी में दिखाई देते हैं
और नेक्स्ट ये होता है कि जो वाइट हेड है ये सोलिंग काफी डिफिकल्टी प्रेजेंट करते हैं इन पॉजिटिव हेगल और ऑफेनियल में। थर्ड ये होता है इसमें गैस कि मोनिलेट डायरिया होता है। मोनिलेट डायरिया यदि इसमें कैंडिडा एलिगेंस को आसानी से हम जो डेवलपमेंट को देख सकते हैं, ये एक वाइट स्पॉट होती है जिसमें जो कैंडिडा एलिगेंस है वो हमें दिखाई देता है, या पेनियल मोनिलेस और लंग इन्फेक्शन भी इसमें हो सकता है। नेक्स्ट पे लेते हैं कि मैनेज कैसे करते हैं इसको ओरल थ्रस्ट को। इसमें 5% एक्वा सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ जेंटिक सॉल्यूशन दिया जाता है आफ्टर फीडिंग के बाद, यानी हर फीडिंग के बाद में ये सॉल्यूशन दिया जाता है। दूसरा एंटी फंगल एंटी लोशन दिया जाता है, एंटी फंगल लोशन जिसमें होते हैं क्रोमेटिजोल या फ्लुकोनाजोल या एल्बेंडाजोल जो भी है वो सॉरी क्रोमेटिजोल या टिट्राकोनाजोल जो लोशन होते हैं वो इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें एंटीफंगल ड्रग दी जाती है जैसे कि फ्लुकोनाजोल हो गई या एल्बेंडाजोल, ये ड्रग्स पे दी जाती है। जो क्रोमेटिजोल लोशन है वे 5 से 7 डेज हमें देने होते हैं अगर ओरल थ्रस्ट है, और फोर टाइम्स लगाने हैं। तो ये मैनेजमेंट है जिसमें हमें से ओरल थ्रस्ट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन होती है आफ्टर द बर्थ यूनिट्स में। नेक्स्ट हैं प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। प्रिवेंटिव क्या है, एडिक्वेट क्लीनिंग ऑफ द यूटेंसिल्स एंड मेंटेन एंड जनरल क्लीननेस एंड हाइजीनिक मेजर्स, जो कि मैं बता चुका हूँ कि हाइजीनिक मेजर्स हम यूज करते हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है। देन किसी प्रकार की कोई आर्टिफिशियल फीडिंग नहीं करवानी है बच्चे को अगर ओरल थ्रस्ट की कंडीशन है, तो हम इसे आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं ओरल थ्रस्ट। अब 2 डिजीज आज हमने कंप्लीट की है, पहली अम्लाइकल सेप्सिस, दूसरी ओरल थ्रस्ट। इन्फेक्शन पे इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, जो कल नेक्स्ट जो भी इन्फेक्शन से रिलेटेड डिजीज होगी वो लेंगे। थैंक यू एवरीवन।